अब चलते हैं आज जो हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में इनिशियली मार्केट पॉजिटिव थी, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स ट्रेंड के साथ हमने आखिरी कुछ मिनट्स के अंदर मार्केट को थोड़ा डिक्लाइन और फिर फ्लैट उसके साथ देखा। इसको डिस्कस करते हैं अपने अगले सेगमेंट मार्केट परसोना में। जी व्यूअर्स, आज मार्केट परसोना में हमारे साथ हैं मोहम्मद आजम खान साहब, सीईओ हैं सनराइज कैपिटल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आजम साहब। आज आपने मार्केट देखी, खबरें ये थी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी उसके हिसाब से कहा जा रहा था कि यूएस पाक रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो नेटो सप्लाई है उसके खुलने के बाद जो है वो पॉजिटिव फिगर होगी। आज हमने मार्केट को मिक्स उसमें देखा, क्या रीजन्स हैं पहले तो ये बताएं, क्या फाइनेंशियल जो आने वाले हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वो हैं, ये मेजर इशू है जिसकी वजह से मार्केट में हमने मिक्स ट्रेंड देखा है। देखिए, जहां तक आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पहले आंसर कर देता हूं कि फाइनेंशियल जो हैं वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। वो तो 2008 की क्राइसिस के बाद भी 10-11-12 के अंदर 10% से आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग बेहतर हो रही है। वो एक ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो आपके ईएनपी सेक्टर, फर्टिलाइजर, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर है आपका, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है पूरे रीजन के अंदर। और जहां तक आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं यूएस के, और यूएस जो पाकिस्तान को कंसिडर करता है इस रीजन के अंदर, वो बहुत ज्यादा वेटेज देता है पाकिस्तान को, और उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी मार्केट में इस तरह से नहीं आता कि नेटो सप्लाई से हमारी मार्केट का कोई ताल्लुक है या हमारी नेटो सप्लाई हमारी मार्केट में लिस्टेड है। उसका ये साइकोलॉजिकल के साथ साथ ये कि जो वहां के इंटरनेशनल फंड्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं वहां के, वो ये देखते हैं कि उनके मुल्क की स्ट्रेटजी क्या है दूसरे मुल्क के बारे में। अगर पाकिस्तान के बारे में उनके टाइज सही नहीं है तो डेफिनेटली दे विल बी रिलेक्टेंट कि वो एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करें या कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो वी आर होपफुल कि आज जो स्टेप लिया गया है माशाल्लाह से और बहुत प्रॉपर तरीके से लिया गया है। आपको नहीं लगता कि जो हम पिछले दो दिन में देख रहे थे कि मार्केट हाई थी तो उसमें फॉरेनर्स भी थे, लोकल इन्वेस्टर्स भी थे, इंस्टीट्यूशंस भी थे, लेकिन अब जब ये सिनेरियो सामने आया कि जो एक थोड़ा सा फेयर्स था फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उस हिसाब से आपको इंफ्लोज अब आते हुए दिनों में और ज्यादा दिखाई देंगे मार्केट में, लोगों का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा इस पॉजिटिव स्टेप के? डेफिनेटली यू आर वेरी राइट। मैं उसी तरफ आ रहा था अपने आपके पहले सवाल में कि ये आज तो मार्केट आपको नेगेटिव नजर आई 20-35 पॉइंट, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सिनेरियो में चीजों को देखना होता है। अगर किसी के पास ही प्री मेच्योर न्यूज थी 72 घंटे पहले फ्राइडे को या मंडे को कि ऐसा होने जा रहा है, और ऐसा होता है क्योंकि जाहिर बात है इन्फ्लुएंशियल लोग हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर जगह होते हैं, तो आपने देखा बिल्कुल मंडे ट्यूजडे को ऐसा हुआ, जब खबर मेच्योर हुई तो आपके सामने हमेशा उसका एक ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट आता है। लेकिन वी आर वेरी मच होपफुल कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बहुत पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर अट्रैक्शन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, कराची स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को मजबूर करती है पॉलिटिकल हालात के बाद, लॉ एंड ऑर्डर के बाद। जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरनर्स की मैं बात कर रही हूं, तो उसमें अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या किसी कुछ आप इंसेंटिव दे सकते हैं फॉरनर्स को? क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो देख रहे हैं कि फिर भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत अब फोकस होने लगा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, और पीएम इस हवाले से कुछ प्लान भी जो है वो अंडर डिस्कशन उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन जो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखते हैं वहां पे कुछ मजीद इंसेंटिव देने की जरूरत है अभी? देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो ऑलरेडी उनको इंसेंटिव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो अर्निंग्स हैं वो इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, वो दूसरी मार्केट के अंदर, वो इंसेंटिव और वो रिटर्न्स, वो डिविडेंड, वो पे आउट होंगे जो पाकिस्तान में। ऑल दो आप ये देखिए कि हमेशा ये जो 64 साल हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर कभी पाकिस्तान का प्रॉपर नहीं हुआ, और कभी बहुत वर्स्ट हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी सही नहीं हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 6 महीने रहती है, 2 महीने बहुत वर्स्ट रहती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बावजूद और इतनी अच्छी अट्रैक्शन के हिसाब से भी आप ये देखिए कि मुस्तकिल हमने देखा था कि 2005 से लेकर 8 तक कितने मेजर इन्फ्लूज हुए थे मार्केट के अंदर। हम अगर थोड़ा सा उनको शेल्टर दे दें ना, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दें उनको, और थोड़ा सा ग्राउंड अपनी जो रियलिटीज है उनको बेहतर कर दें, एक दफा हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहां लैंड कर जाए कराची एयरपोर्ट के ऊपर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, फिर आप ये देखिए कि उनको जो चीजें क्लोज नजर आएंगी वो इतनी दूर से उनको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने रिडार पर पाकिस्तान को पिछले 7-8 साल से रखा हुआ है, कोई ऐसा इंटरनेशनल फंड नहीं है। अगर हम वैसे रेटिंग्स के हवाले से भी बात करें तो हम फ्रंटियर मार्केट्स में तो आते हैं, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में हम अब भी शामिल नहीं है।
तो वो जब फॉरन इन्वेस्टर्स जब वो देख रहे होते हैं, वो कैटेगराइज कर रहे होते हैं, या फिर उनका भी जाहिर एक वो होता है कि इस तरफ इतना जाना है, उनके भी एक लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें भी फ्रंटियर मार्केट्स में आ जाते हैं। हम तो अभी भी एमर्जिंग मार्केट्स में भी एंटर नहीं हो पाए। देखिए उसकी वजूहत है ना, आपने जो 2008 के अंदर जो हमने 3 महीने मार्केट को बंद किया था, वो उसके जो बैड इम्पैक्ट थे वो अभी तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, और वो तमाम चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जिसने किया था उसने तो किया, उसके बाद वो साफ चले गए, वो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मार्केट को चला रहे होते हैं, जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका वो कारोबार होता है, जिनका बेड एंड बटर होता है, वो चीजें फेस कर रहे होते हैं। इतनी वर्स्ट सिनेरियो के बावजूद भी अगर हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और उसको मजबूर किया हुआ है कि वो डेली हमें वॉच करे, हमें देखे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन तो है ना। आसन साहब, सबसे बड़ी अट्रैक्शन आपको नहीं लगता है कि उनके लिए ये चीप स्टॉक्स हैं? बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता कि फिर जो रूपी और वर्सेस डॉलर अब जो डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ही उनको काफी चीप पड़ता है हमारे जो स्टॉक्स हैं? देखिए चीप अगर ना भी पड़े उनको, तो उनका एक जिस तरह उन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है कि उनकी तो एक वेटेज है, हर मार्केट में उन्होंने एक वेटेज दी हुई अपने पोर्टफोलियो को ना, अगर लेकिन पाकिस्तान की बदनसीबी भी ये हमारी जो हालात है उसकी वजह से कि 0.01% अगर 0.001% का अगर उन्होंने वेटेज दिया हुआ है, तो पिछले 4 साल से वही वेटेज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो उसको उन्होंने इंक्रीज नहीं किया इतनी आउटस्टैंडिंग रिटर्न के बावजूद भी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर थोड़ी सी हम उनको बेहतर चीजें दे दें तो आई एम वेरी मच श्योर कि हर साल के हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो को रीबिल्ड करते जाएं और हमारी पाकिस्तान की जो वेटेज है उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा अभी जो